तो इससे पहले मैंने जो है अमेजोन से दो टी शर्ट की अनबॉक्सिंग करी थी एक साथ, उस पर जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जो है हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं मिंत्रा की तरफ से, जो कि आप लोगों ने बोला था। और इस वीडियो में हम लोग एक नहीं दो नहीं पूरे तीन जो है टी शर्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, जो कि देख सकते हो मिंत्रा की तरफ से है। तो चलिए इसे खोलते हैं और निकालते हैं अपने टी शर्ट को। तो ये देख सकते हो अपना टी शर्ट और ये बिल है, तो हम बिल जो है आपको बाद में दिखा देंगे। बाकी बात करते हैं अपने टी शर्ट के बारे में, तो ये देख सकते हो अपना तीनों टी शर्ट। ये आता है अपना मोडा रैपिडो की तरफ से, सेकंड जो है ये आता है हियर एंड नाउ की तरफ से, और ये अपना थर्ड जो कि आता है डोडेस्टर की तरफ से। तीनों जो है बहुत ही अच्छी रेटिंग थी इसकी मिंत्रा पे, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इसे पसंद कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इससे, पहले तो हम इसे खोलते हैं उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राइस वगैरह की, एमआरपी की। तो ये देख सकते हो अपना टी शर्ट और ये जो है प्रिंटेड टी शर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसकी एमआरपी वगैरह मेंशन की गई है। मैं आपको जो है फोकस करके दिखा देता हूँ, 899 रुपीज़ जो है यहाँ पे इसका एमआरपी मेंशन किया गया है, पर ये आपको जो है 400 के अंडर आसानी से मिंत्रा पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो मोडा रैपिडो की ब्रांडिंग की गई है, साइज जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मीडियम। बाकी इसे हम खोल के आपको दिखाते हैं कि इसका जो है प्रिंट वगैरह कैसा है, उसके बाद हम लास्ट में जो है आपको पहन के भी दिखाएंगे कि इसकी फिटिंग कैसी होती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है प्रिंट किया गया है और स्लिप्स पे भी जो है प्रिंट किया गया है, देख सकते हो। और इसके मटेरियल की बात करें तो ये जो है कॉटन से बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और लुक वाइज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके स्टिचिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी स्टिचिंग की गई है। और बात करें स्लिप्स की, तो फुल स्लिप्स ये सारा टी शर्ट आपको तीनों देखने को मिलेगा। और मैंने जो है हाफ टी शर्ट की ऑलरेडी हॉल वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करना। और ये देख तो ये जो है मैरून कलर में है, उसके बाद आपको व्हाइट मिलता है, ब्लैक मिलता है, और दोनों तीनों कलर का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर आप बैक में देखोगे तो बैक में भी जो है वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहले तो यहाँ पे आपको मिलेगा मरून, उसके बाद वाइट, उसके बाद ब्लैक, जो कि मैं ऑलरेडी ऐसा हाफ स्लीव टी शर्ट जो है पहनता हूँ, मैरून और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा टी शर्ट है, अंडर 500। बाकी ये था अपना फर्स्ट टी शर्ट, इसको करते हैं साइड। बात करते हैं अपने सेकेंड टी शर्ट जो कि वाइट कलर का है और ये आता है हियर एंड नाउ की तरफ से, जैसा कि आप देख सकते हो। और वाइट कलर ऐसे मुझे बहुत पसंद है, ना भी पसंद है, क्योंकि ये जो है गंदा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे पहनना उतना पसंद नहीं है। जब मैं घर पे होता हूँ तब मैं प्रीफर ज़्यादा करता हूँ पहनना। बाकी ये देख सकते हो अपना टी शर्ट वाइट कलर में है और ये भी जो है प्रिंटेड ही है, बस थोड़ा सा प्रिंट है, ज़्यादा प्रिंट आपको नहीं मिलेगा देखने को। और यहाँ पे जो है इसकी एमआरपी दी गई है, जो कि देख सकते हो 799 रुपीज़ जो है एमआरपी इसकी दी गई है, जो कि पहले वाले का भी था, जो कि रैपिडो मोडा रैपिडो की तरफ से आता है। तो यहाँ पे जो है इनकी ब्रांडिंग की गई है हियर एंड नाउ और साइज जो है एम मेंशन किया गया है। और ये जो है इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा थिन लग रहा है मुझे, देख सकते हो। और इसका भी मटेरियल जो है कॉटन ही है। इसमें मुझे खास क्या लगा मैं आपको वो बता देता हूँ, और मैंने क्यों जो है सेलेक्ट किया इस टी शर्ट को, देख सकते हो ये था इसका प्रिंट। स्लीव्स में प्रिंट जो है बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और इससे पहले मैंने जो है ऐसी कोई भी टी शर्ट वगैरह की अनबॉक्सिंग नहीं करी है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और इस साइड जो है आपको नहीं मिलता है, देख सकते हो आप, तो राइट साइड जो है आपको प्रिंट मिलता है, लेफ्ट साइड नहीं मिलता है। यहाँ पे जो देख सकते हो USA की यहाँ पे जो है प्रिंट की गई है। बाकी अगर बैक में देखोगे तो बैक में जो है प्लेन है, ये देख सकते हो पूरा प्लेन है, तो काफ़ी अच्छा है, गर्मी में जो है आप इसे ले सकते हो। बाकी इसकी स्टिचिंग वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी थी। बात करें अपने थर्ड और फाइनल जो टी शर्ट है, देख सकते हो वो आता है रोडस्टर की तरफ से। और इस ब्रांड का ना मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाके चैनल चेकआउट करो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो ये देख सकते हो अपना टी शर्ट और ये आता है ब्लू वाइट और मरून के कॉम्बिनेशन में, जैसा कि फर्स्ट था, बट उसमें जो है ब्लू नहीं था, ब्लैक था।
तो ऐसा ही कम्बिनेशन है, कुछ कम्बिनेशन आप देख सकते हो। ये देखो, बात करें इसके MRP की, तो इसकी MRP जो है यहाँ पे मेंशन की गई है 1299 रुपीज़, और ये जो है अमेज़ॉन पे आपको 400 के करीब आसानी से मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस फुल स्लीव्स टी शर्ट की, तो ये जो है दोनों से अलग है, दोनों जो है राउंड नेक टी शर्ट था। इसमें आपको 3 जो है बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ज़्यादा गर्मी जब आपको लगे तो आप जो है इसे खोल सकते हो, और ये भी जो है राउंड नेक ही है। बाकी कलर कम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ब्लू मिलता है सबसे ऊपर, उसके बाद मिडिल में जो है वाइट कलर मिलता है, और नीचे जो है आपको मरून देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको स्लीव्स में भी वही 3 कलर का जो है कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। और साइज जो है मैंने जैसा कि बोला M सेलेक्ट किया है, आप लोगों के कहने पे ऐसे मैं L पहनता हूँ। और पीछे से भी अगर आप देखोगे तो ब्लू वाइट और मरून कलर का कम्बिनेशन है, तो काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी इसमें जो है थोड़ी सी मुझे स्टिचिंग में जो है देख सकते हो, मुझे लग रही कि थोड़ी और भी अच्छी की जा सकती थी। यहाँ पे स्टिचिंग जो है थोड़ी सी उभरी उभरी सी लग रही है, और दोनों में अगर आप देखोगे तो सेम जो है सेम प्रॉब्लम मुझे लग रही है। बाकी हाँ, पहन के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो चलिए तीनों पहनते हैं, उसके बाद जो है हम रिव्यू की बात करेंगे कि कैसा है, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक वीडियो मैंने जो है 3 टी शर्ट कवर किया है जैसा कि आपने देखा, और सारा जो है 500 के आसपास ही है। उसकी MRP भले कितनी भी हो, बट वो जो है आपको मिंत्रा पे 500 के आसपास आसानी से मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फिटिंग मैंने जो है वीडियो लगा ही दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि फिटिंग इसकी कैसी है। और मैं इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है मोटा रैपिडो जो है मैं पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ, तो वो जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ये जो है फुल स्लीव्स मैंने ऑर्डर करा है। बाकी इसमें 2 टी शर्ट जो है काफ़ी अच्छा जो है फिट हो रहा था, और एक जो है लूज़ हो रहा था। रोडस्टर का जो था वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा था जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ऐसे मैं वीडियो जो है यहाँ पे भी लगा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि रोडस्टर का टी शर्ट जो है थोड़ा सा जो है ज़्यादा लूज़ हो रहा था। बाकी हियर एंड नाउ और एक और मोड़ा रैपिडो था, वो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है फिट हो रहा था, तो आप उसके लिए जा सकते हो। तीनों का जो है नंबर वाइज बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अगर आप उस लिंक से जाके कुछ भी परचेज करोगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।